हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एस टेक। आज हम बात करने वाले हैं कि पीसी या लैपटॉप के अंदर आपको क्या है, एक प्रोजेक्ट टू दिस पीसी का एक ऑप्शन आता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मोबाइल की जो स्क्रीन है वो पीसी या लैपटॉप के स्क्रीन पर ला सकते हो। तो उसके इनेबल कैसे करते हैं, वायरलेस डिस्प्ले कैसे इंस्टॉल करनी है अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर, वो आज इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, अगर पसंद आए तो लाइक करना। तो चलते हैं मेरे लेना लैपटॉप है। की स्क्रीन पर। मेरे पास विंडोज 11 है तो मैं विंडोज 11 की सेटिंग के तरह ओपन करूंगा। तो राइट क्लिक करना है हमें। सबसे पहले राइट क्लिक करने के बाद में पर्सनलाइज पे जाना है हमें। पर्सनलाइज पे जाने के बाद में हमें क्या करना है, आपका ड्राइवर पहले से इंस्टॉल नहीं होगा तो पहले सबसे पहले हमें इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, ऐप्स पे जाना है। ऐप्स पे जाने के बाद में ऑप्शनल फीचर्स पर क्लिक करना है। ऑप्शनल फीचर्स पर जाने के बाद में व्यूज फीचर्स पर जाना है। यहाँ में हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डब्लू टाइप करना है, यानी डब्लू का मतलब वायरलेस डिस्प्ले इसमें शो कर देगी। नीचे जाना है, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे हमको इंस्टॉल के लिए नहीं बता रहा है, ये मैं बता देता हूँ एक बार। मेरे यहाँ पे ऑप्शनल फीचर्स में यहाँ पे मेरा ऑलरेडी वायरलेस डिस्प्ले इंस्टॉल है। तो इंस्टॉल करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बार पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है। उससे क्या होगा, आपका इंस्टॉल होकर वो आपका शो कर देगा। तो फिर आपको प्रोजेक्ट टू दिस पीसी का अंदर सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने को प्रोजेक्ट टू दिस पीसी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अवेलेबल एवरी ईयर्स कर देना है, यहाँ पे एवरी टाइम कनेक्टेड ये रिक्वेस्ट डाल देनी है या फर्स्ट टाइम डाल देना है, आपको जो भी डालना है। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड पिन फॉर पेयरिंग नेवर कर देना है। तो क्या करना है हमें, अब इसको लॉन्च करना है। लॉन्च के लिए आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे लॉन्च टू कनेक्ट ए प्रोजेक्ट टू दिस पीसी यहाँ पे आपका शो कर रहा है। ये आपका एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद में मेरे पीसी का नाम सुनील चौधरी है, तो इज रेडी फॉर यू कॉन्टेक्ट वायलेंस यहाँ पे आपको शो कर देगा। सेटिंग आपको ओपन करनी है इसकी, तो प्रेस कंट्रोल एस टू ओपन सेटिंग यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो हम चल लेते हैं एक बार अपने फ़ोन की स्क्रीन के अंदर कि फ़ोन में आपको क्या सेटिंग करनी है और कैसे ये एप्लीकेशन आपको रन करना है। तो इसमें मैं विंडोज़ को यहाँ पे करता हूँ और फ़ोन की आपको सेटिंग दिखाता हूँ एक बार। तो मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन के अंदर। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में हमको स्मार्ट मिरर या स्क्रीन कास्ट का आपका ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे मेरा दो कर रहा है दोनों ही, तो स्क्रीन कार्ड इनेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, स्क्रीन मिरर पे जाना है, यहाँ पे स्क्रीन कार्ड ऑन कर लेना है। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद इनेबल का आपका ऑप्शन आएगा। तो सिंपली इस टाइप से हम इसको ऑन कर लेंगे। आपको सामने शो हो रहा था मेरा यहाँ पे, तो आप ही इस टाइप से आप इसे स्क्रॉल करके स्क्रीन कास्ट को इनेबल करके आप अपने पीसी के अंदर ये कर सकते हैं। एक बार मैं इसको कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ कि ये रन कैसे करेगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली मेरा जो यहाँ पे शो कर रहा था नाम, वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है सुनील चौधरी के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर ये ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ उसके नाम के ऊपर, तो मेरा यहाँ पे जो मोबाइल का नाम होगा उसके थ्रू ये कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के बाद में एक बार आप देख ले कि आपका वाईफाई इनेबल होना बहुत ज़रूरी है इसमें। ये देखिए मेरा वीवो V20 3 5G इज़ अबाउट टू प्रोजेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। वाईफाई इनेबल होना बहुत ज़रूरी है इसमें। आप वाईफाई को एक बार ऑन करते हैं अगर स्क्रीन कास्ट आपका चल नहीं रहा है तो। ये कनेक्ट होने के बाद में हमारी जो भी मोबाइल की स्क्रीन होगी वो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर आपको शो करेगी, जैसे मेरा यहाँ पे ये कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे स्मार्ट मिरर पे यहाँ पे जाके वो सेटिंग ओपन थी मोबाइल के अंदर, तो यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे स्क्रॉल करना है, एक बार हम अपना यूट्यूब चैनल सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च पे जाना है, यहाँ पे आर एस टेक लिखना है। आर एस टेक लिखने के बाद में नीचे स्क्रॉल करना है। यह हमारा चैनल का नाम आ गया आर एस टेक, ये हमारे ऑलरेडी वीडियोस आ गए। तो इस प्रकार से आप हम स्क्रीन कास्ट अपने पीसी के अंदर कर सकते हैं। आपको सेटिंग का ध्यान रखना है, इनेबल करनी है, इंस्टॉल करना है पहले ड्राइवर।